दोस्तों सक्सेस स्टोरीज विद शंकर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की मेरी जो कहानी है ये उन दोस्तों के लिए है जिनको अपनी टीम से काम लेना पड़ता है। आप किसी जॉब में हो, आप किसी बिजनेस में हो, आप हायर मैनेजमेंट में हो, आप मिडिल मैनेजमेंट में हो, आपको हमेशा कुछ लोगों से काम लेना होता है। और अगर हमारे पास वो स्किल उस लेवल की नहीं है कि जो हम वो काम अपने हिसाब से ले सकें तो कई बार दिक्कत आ जाती है। दोस्तों जब पहली बार मेरा प्रमोशन हुआ और मैं एक डिविजनल हेड बना तो मेरे सामने भी वही समस्या आई कि खुद का काम तो आप कर सकते हैं लेकिन दूसरों से काम कैसे ले सकते हैं, खासतौर पर वो चीज़ें जो हमको खुद नहीं आती। जैसे मैं इंजीनियर हूँ, मुझे इंजीनियरिंग के बारे में पता है लेकिन अकाउंट्स के बारे में पता नहीं है। एंड बीइंग द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेरे को लाखों रुपए की जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती थी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता था और मीटिंग्स में मेरे से उनका जवाब लिया जाता था। अनफॉर्चुनेटली मुझे जो अकाउंट्स का आदमी मिला था वो बहुत जानकार था, बहुत नॉलेज थी उसे, लेकिन वो अपने हिसाब से चीज़ें करता था और मेरे को अक्सर वो समझाया करता था कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, वैसे नहीं वैसे होगा। और मुझे कहीं कहीं ऐसा लगता था कि शायद इंटेंशन वाइज ये आदमी ठीक नहीं है। और फिर मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें आईं जिससे कि मुझे ये लगा कि शायद फ्यूचर में कभी मैं कहीं कुछ फंस सकता हूँ या कोई गड़बड़ मेरे साथ हो सकती है, क्योंकि मेरे से ऊपर वाला अधिकारी मेरे से ये पूछने नहीं जा रहा कि आपके नीचे वाले कैसे काम कर रहे हैं। ही वॉन्ट्स ओनली रिजल्ट। तो दोस्तों मैंने क्या किया कि जो हमारे डिपार्टमेंटल हेड थे जो हमारे को ये लोगों को प्रोवाइड करते थे, मैं उनके पास पहुंचा। मैंने उनसे कहा कि ये जो आदमी आपने मुझे दिया है मैं इनकी वर्किंग से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आप इनको बदल दीजिए। वो बोले देखिए मैं इनको हटा तो सकता हूँ लेकिन बदल के दूसरा आपको कब मिलेगा, कितने दिनों आपको वेट करना पड़ेगा मैं कह नहीं सकता क्योंकि इस तरह के अकाउंट्स के एक्सपर्ट्स की यहाँ पर बहुत कमी है। मैं थोड़ी देर सोचा, फिर मैंने उनसे कहा कि सर आप इनको हटा ही दीजिए, मैं देख लूँगा। तो दोस्तों मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना ही है। तभी मेरी जानकारी में आया कि एक और अकाउंट्स के एक्सपर्ट हैं जो दूसरे शहर में कहीं पोस्टेड हैं और उनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है लेकिन उनका एडमिनिस्ट्रेशन और उनका मैनेजमेंट फार बेटर है और लोग उनको पहलवान साहब के नाम से जानते थे। तो जबकि इंजीनियर्स जो मेरे साथी थे वो उनसे बचने की कोशिश करते थे, कहते थे भाई इनको कैसे हम झेलेंगे यार। तो लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही है और मैंने आउट ऑफ द वे जाकर एक बार मैं खुद उनके शहर में गया और मैंने उनसे बात की और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारा डिवीजन ज्वाइन कर लीजिए। वो बहुत खुश हुए कि एक अधिकारी मेरे पास आया और मेरे को इसके लिए ऑफर कर रहा है। तो बोले सर जैसे भी होगा मैं आपका काम करूँगा। तो मैंने उनकी पोस्टिंग अपने यहाँ कराई, वो हफ्ते में 3 दिन मेरे यहाँ आते थे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस डे वन से उन्होंने ज्वाइन किया मेरा पूरा का पूरा स्टाफ जो अकाउंट्स के सारे पेपर्स हैंडल करता था उनकी वर्किंग ही बदल गई और वो इतना शानदार काम करने लगे कि पूछो मत। अब देखिए वो जो एक्सपर्ट हेड थे उनकी जानकारी इतनी नहीं थी टेक्निकली जितनी कि पहले वाले की थी, लेकिन इन्होंने मुझे इतना अच्छा काम करके दिया कि हर मीटिंग में मेरे को क्रेडिट मिलता था कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे डिवीजन के सारे काम इन टाइम होने लगे, सारे काम सही होने लगे। एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट ए पर्सन हु इज नॉट अप्रिशिएटेड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल ही हैज बीन प्रूव्ड एज ए बेस्ट वर्कर इन माय डिवीजन। और मैंने बहुत दूर दूर तक जाकर, यहाँ तक कि लखनऊ हेड ऑफिस मीटिंग में जाकर भी उनकी तारीफ की कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों कभी कभी हमें लीक से हटके कायदे कानून की किताबों में लिखी हुई जो इबारतें हैं उनसे हटके कुछ करना पड़ता है अगर हमको जिंदगी में सफल होना है। दोस्तों नॉलेज और शार्पनेस एक चीज है लेकिन मौके की नज़ाकत के हिसाब से अपने लीडरशिप की क्वालिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाना और सफलता पाना एक अलग तरह का आर्ट है। तो आज की इस सच्ची कहानी का समापन दोस्तों मैं यहीं पर करता हूँ। अगले संडे को फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें और मेरी इस प्रेरक कथा से अगर आपको कुछ भी प्रेरणा मिली है तो मुझे पता लगना चाहिए। आप अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसी लगी।
तो अगले संडे को फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए शब्बा खैर, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद।